बैक आई एम और धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस एल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्ज ने दिल्ली मेरे मेरे प्यारे दोस्त पता है क्या अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है अंग्रेजी बोलने के लिए ना एक सतत प्रयास की आवश्यकता होती है आप दो चार मित्रों के साथ आप जब भी जब भी किसी से मिलो ना आप खुद ही पहले प्रयास करने का प्रयास करो किसी भी व्यक्ति से यू मेट एनी बडी एल्स किसी भी व्यक्ति से आप मिलो मिल करके आप खुद से पहले प्रयास करो और खुद से जब प्रयास करोगे ना तो अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा बस एक तरह के सेंटेंस को आप कितने तरह से बोल सकते हो एक सेंटेंस दिया होता क्या कि हम लोग को अंग्रेज़ी बोलना है लेकिन 24 घंटे में से 23 घंटे हमेशा घंटे हम उस माहौल में रहते हैं जो माहौल प्योर हिंदी मीडियम का है अब हम चाहते हैं अंग्रेज़ी बोलना तो सारे माहौल तो हिंदी के हैं हम किसी को चेंज कर सकते नहीं कि देखो भाई मैं अंग्रेजी बोलूँगा भी अंग्रेजी बोलना तो ऐसे हम किसी को चेंज नहीं कर सकते तो करना क्या है कि वी शुड ट्राई टू चेंज आवर सेल्फ माई सेल्फ योर सेल्फ हम लोगों को खुद को चेंज करना है डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स खुद को चेंज करना है और खुद को चेंज करने के लिए क्या करना है कि यू ट्राई टू तो स्पीक मैक्सिमम सेंटेंस इन इंग्लिश मैक्सिमम सेंटेंस को आप अंग्रेजी में बोलो देखोगे क्या होगा कि जब आप मैक्सिमम संदेश को अंग्रेजी में बोलोगे जब वेन यू मेट एनी बडी एल्स फर्स्ट यू ट्राई टू तो स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ हिम किसी से मिलो ना अंग्रेजी बोलो लेकिन उसके लिए क्या होगा कि एक सेंटेंस हिंदी में होगा और आपके पास वैसा तीन चार अंग्रेजी होना चाहिए मतलब एक सेंटेंस हिंदी का तीन चार सेंटेंस अंग्रेजी का होना चाहिए इससे क्या होगा कि आपका अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा तो आइए देखते हैं मिल करके स्पोकन क्लास का हम यहाँ पे दे रहे हैं वो वीडियो अब देखिए वह ठाठ से जी रहा है अब ठार्ठ से जी रहा है अब इस चीज़ को मुझे अंग्रेजी में बोलना है कि वह ठार्ठ से जी रहा है अब अंग्रेजी में बोला कि ही इज लीडिंग अ डेलक्स लाइफ तो ही इज लीडिंग का डेलेक्स लाइफ इसका हिंदी हुआ कि वह ठाट से जी रहा है तो ठाट से का मतलब क्या हुआ कि उसका जीवन ऐसो आराम से भरा है ठाट का मतलब हुआ कि उसका जीवन ऐसो आराम से भरा हुआ है उसका जीवन बिल्कुल ही पैसे से उसका जीवन राजसी जीवन जी रहा है तो हमने कहा कि ही इज लीडिंग अ किंग साइज लाइफ यानी जो उसका जीवन है वो किंग के समान है राजा के समान है ही इज लीडिंग अ किंग साइज लाइफ उसका जीवन राजा के समान है ही इज लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ लग्जरियस का मतलब होता है भोग विलास की वस्तु यानी ऐसो आराम यानी उसका जीवन जो है लग्जरियस है भोग विलास है ऐसो आराम है तो हमने क्या कहा अब मेरे साथ तुम बोलोगे वह ठाठ से जी रहा है ही इज लीडिंग अ डिलक्स लाइफ ही इज लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ ही इज लीडिंग अ ंग साइज लाइफ अगर ये लाइन आपने याद कर लिया तो आपको बोलने में आसानी हो जाएगा ही इज लीडिंग किंग साइज लाइफ ही इज लीडिंग लग्जरियस लाइफ ही इज लीडिंग क्या हो गया वो से जी रहा है. उसका जीवन बाट से चल रहा है याद हो गया होगा अगला देखो तुम किसी काम के नहीं हो नहीं होता हम लोग गुस्से में बोलते हैं तुम किसी काम के नहीं हो तुम नल्ले हो तुम बकवास हो तुम किसी कर्म के नहीं हो तुम किसी काम के नहीं हो को अगर अंग्रेजी में बोलना हो और अगर तीन चार अंग्रेजी आपके पास है तो क्या हो जाएगा आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी ना तो हमने कहा तुम किसी काम के नहीं हो यू आर गुड फॉर नथिंग यू आर गुड फॉर नथिंग तुम किसी काम के नहीं हो यू आर गुड फॉर नथिंग हमने बोला यू आर वर्थलेस तुम किसी काम के नहीं हो वर्थलेस हो तुम्हारा जन्म ही बेकार हुआ है यू आर स्लगिस तुम बिल्कुल ही स्लगिस हो आलसी हो निकमे हो, हो तुम किसी काम के नहीं हो तो ये आप जब गुस्से होते हैं हम लोग तो किसी को बोल देते हैं तुम किसी काम के नहीं हो कोई पिताजी अपने पुत्र को बोल देता है तुम किसी काम के नहीं है यू आर गुड फॉर नथिंग बोलो मेरे साथ तुम किसी काम के नहीं हो यू आर गुड फॉर नथिंग है नथिंग है ना यू आर स्लगिस यू आर गुड फॉर नथिंग यू आर वर्थलेस अब इसी तरह के और देखते हैं अगले अब देखिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं आप बस मेरे साथ ना एक एक करके बोलते रहो जब एक एक करके बोलते रहोगे ना तो आपका अंग्रेजी ना बहुत आसान हो जाएगा बस एक बस ध्यान रखना कि कोई एक सेंटेंस हो और एक सेंटेंस के तीन चार पांच अंग्रेजी आपके पास हो एक हिंदी चार पांच अंग्रेजी जब एक हिंदी का चार पांच अंग्रेजी होगा तो कहीं भी बोलने में हेजिटेशन नहीं होगा कहीं भी बोलने में हर्डल नहीं होगा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा बस देखते हैं आपका आलसीपन आपकी सफलता में रुकावट है हम किसी को नहीं बोलते कि तुम्हारा आलस ही तुमको डुबा देगा तुम्हारा आलस पन ही सबसे खतरनाक है तुम्हारा आलसीपन तुम्हारे सफलता में रुकावट है तुम आलसपन बात बोलते ना हम तो हमने क्या कहा? आपका आलसीपन तुम्हारा आलसीपन तुम्हारी सफलता में रुकावट है आपका आलसीपन आपकी सफलता में रुकावट है अब इसको अंग्रेजी में तीन चार तरह से याद कर लो तो हमने बोला योर लेजीनेस आपका आलसीपन गया रुकावट ऑब्स्टेकल टू योर सक्सेस योर लेजीनेस इज अब स्टेकल टू योर सक्सेस योर लेजनेस इज हर्डल टू योर प्रोग्रेस यस इज बैरियर टू योर सक्सेस तो एक क्या है एक वर्ड का तीन चार मीनिंग था एक हमने ऑब्स्टेकल लिया एक हमने हर्डल लिया एक हमने बैरियर लिया तो आसान हुआ कि नहीं हुआ एक बार मेरे साथ दुरा लो योर लेजनेस इज ऑब्स्टेकल टू योर सक्सेस बोलो जरा योर लेजनेस इज हर्डल टू योर प्रोग्रेस योर लेजनेस इज बैरियर टू योर सक्सेस याद हो गया ना तो बस इसको आप रिवीजन इस वीडियो को दो बार देखो तीन बार देखो स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही साथ हर मित्रों के साथ डिस्कस करो तब ना मज़ा आएगा अगला देखो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं हमने क्या बोआ यू कैन बिलीव मी यू कैन बिलीव मी यू कैन ट्रस्ट अपॉन मी यू कैन upon me you can you can have faith in me you have you can have faith in me hai है ना you can count upon me to तो ka मतलब होता है भरोसा रखना तो आप इसको याद कर सकते हो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो यू कैन बिलीव मी यू कैन ट्रस्ट अपॉन मी यू कैन हैव फेथ इन मी यू कैन काउंट अपॉन मी तो याद हो रहा है इस तरह से आप इसे बोलने का प्रयास करो और देखते हैं इससे बढ़िया बढ़िया पढ़ने का प्रयास करें एक्चुअली मैं चाहता हूँ ना कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए और मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं एक्चुअली जिस प्रयास में हूँ हमने स्पोकन का पूरा एक चैनल बनाया हुआ है तो आपको करना क्या है कि स्पोकन का जो भी प्ले है उस पर जाना है और सारे वीडियोज हमें मैं वहीं डलवा दे रहा हूँ तो आप उसको पूरे सिस्टम से देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा तो सबसे पहले देखना यह है कि आप धीरे धीरे बेसिक से इंप्रूव करने का प्रयास करो और ये सब सेंटेंस बिल्कुल दिमाग में एट ए टाइम होना चाहिए तो जब भी अंग्रेजी बोलेंगे हर समय दिमाग में सारी बातें चलनी चाहिए तो दिमाग में सारी बातें चलेंगी तब ना अंग्रेजी आसान हो जाएगा तो इसके लिए क्या है कि जितना हमने कहा उसे प्रैक्टिस करना है साथ ही साथ इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है स्क्रीन शॉट ले लेना है ताकि जितना ज्यादा हो हम बोलने का प्रयास करें हमने कहा आज आप खुश नजर आ रहे हो किसी को नहीं बोलते आज आप बड़ा खुश नजर आ रहे हो आज आप खुश नजर आ रहे हो तो यू लुक हैप्पी टूडे है ना अगर यू ना हो सब्जेक्ट ही है तो बोल देंगे हैप्पी टूडे आई लुक हैप्पी तो आप आज आप खुश आज वह खुश आज वह खुश तो यहां पे यू के सन पे ही सी कुछ भी आप कर सकते हो आपकी मर्जी है तो हमने कहा यू लुक हैप्पी टुडे आज आप खुश नजर आ रहे हो यू सीम टू बी हैप्पी टूडे हैप्पीनेस इज प्लेइंग ऑन योर लिप्स टूडे है ना योर हैप्पियर टू बी हैप्पी टूडे तो हमने देखा यू हैप्पियर टू बी हैप्पी टुडे तो आप इस तरह से कई सेंटेंस बोल सकते हो फिर से एक बार आज आप खुश नज़र आ रहे हो बोलो मेरे साथ यू लुक हैप्पी टूडे यू ऐपियर टू बी हैप्पी टूडे है ना यू सेम टू बी हैप्पी टूडे हैप्पीनेस इज़ प्लेइंग ऑन योर लिप्स टुडे इस तरह से आप इसको बोल करके बेहतर अंग्रेज़ी बना सकते हो अगर देखिए मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा आई विल टेल यू अबाउट इट आई विल टेल यू अबाउट इट मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा आई विल टेल यू अबाउट इट आई विल लेट यू नो अबाउट इट आई विल लेट यू नो अबाउट इट तो नहीं क्या बात मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आई विल लेट यू नो अबाउट बोलो मेरे साथ आई विल लेट यू नो अबाउट इट आई विल मेक यू फैमिलियर टू इट है ना आई विल इंस्क्राइब यू अबाउट इट मैं कहना क्या चाहता हूँ एक हिंदी है अब इस एक हिंदी को हमने चार अंग्रेजी लिखा है अगर चारों याद रहेगा तो समय पर जो याद आ गया वही मार दिया समय पर जो याद गया वही बोल दिया है ना मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो हमने बोल दिया आई विल टेल यू अबाउट इट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट इट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट इट कुछ भी बोल दिया है ना आई विल लेट यू नो अबाउट इट है ना आई विल मेक यू फैमिलियर टू इट हमने बोल दिया आई विल इंस्क्राइब अबाउट इट तो कुछ भी जो भी दिमाग में आए उसको बोल देना है मेरे बच्चे अब दिल्ली दूर नहीं है अब पता है क्या आप दिल्ली में आकर के भी डिटेल क्लास कर सकते हो चाहे स्पीकिंग का हो चाहे फाउंडेशन का हो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो चाहे एस एस सी हो यू पी एस सी हो सी जी एल हो जिस किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो चाहे बैंक पी ओ हो जुडिशरी हो किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप दिल्ली आकर के मेरे से आप फेस टू फेस पढ़ सकते हो दिल्ली आना संभव अगर नहीं है तो घर बैठ करके ना ऑनलाइन क्लास अपने मोबाइल पे जा सकते हो यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो मोबाइल ऐप डीएसएल इंग्लिश ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड कर करके कर आप घर बैठ के फ्री क्लास भी ले सकते हो इस पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में